चैनल अगेन, कैसे हैं आप सब? मैं तो खुश हूँ, सेफ भी हूँ अपने घर में। होप आप सभी भी अपने अपने घर में सेफ हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर करूंगी, बट कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। बट आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बातें ज्यादा बड़ा नहीं करके मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आती हूँ। आज की टॉपिक है इरेगुलर पीरियड, जो हम लोगों की लड़कियों के वुमेन्स के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। आजकल की जो भागा दौड़ भरी लाइफस्टाइल है, हम लोगों के अनहेल्दी फूड हैबिट और बहुत कारणों से एनीमिया, बहुत कारणों से हम लोगों की जो इरेगुलर है मेंस जो है, बहुत लोगों की इरेगुलर होते हैं। कोई कोई लोगों का तो मैंने सुना है 3-4 मंथ तक नहीं होते। तो इसके बारे में ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसकी एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी जो हम लोगों के किचन में हमेशा रहते ही है, आप लोगों को बताऊंगी उसके। और इसको पी के आप लोगों को 2-3 दिन में ही पीरियड्स तुरंत आ जाएंगे। और ये रेमेडी मैं खुद अपने पर भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं बोला है, मैंने वो रेमेडी अप्लाई किया है और मैंने उसको रात को पिया था और सुबह तक मेरी पीरियड्स आ गई है। बहुत मेरिड वुमेन को भी और अनमेरिड गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम होते ही है। और ऐसे तो गर्ल्स की अगर ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो बाद में प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकते हैं, हम लोग सभी जानते हो इरेगुलर पीरियड्स के कारण। तो इसके लिए ही मैं आज ये रेमेडी आप लोगों को बताऊंगी। कोई कोई अगर ऐसे ही आप लोग कोई फंक्शन में जाने वाले हो, कुछ रिलीजियस प्रोग्राम में जाने वाले हो, मैं हम लोग की रिलीजन की बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम लोगों को डेट अगर नजदीक आते हैं तो टेंशन हो जाते हैं ना, ये अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगे ऐसे। तो आप लोग अगर ये रेमेडी यूज करते हो घर में ही, तो तुरंत आप लोगों को डेट से पहले भी हो सकते हैं और डेट पूरा देखते ही आप लोगों को अपने पीरियड्स हो सकते हैं। और अपने आप लोग खुशी खुशी आप लोगों की जो रिलीजियस प्रोग्राम है, फंक्शन, मैरिज, वो अटेंड कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं इस जो रेमेडी बताऊंगी वो सिर्फ 2 चीजों से ही होते हैं। एक है अदरक और एक है जगरी। हम लोग सभी जानते हैं कि अदरक में बहुत इम्यूनिटी सिस्टम हम लोगों को बूस्ट करते हैं। अदरक में बहुत सारे औषधीय मेडिसिनल वो गुण भी है और इसके ऊपर वो बहुत गर्म होते हैं, तो पीरियड्स लाने के लिए ये बहुत जल्दी पीरियड्स लाने के लिए ये बहुत ही वो असरदार काम करते हैं। और साथ में ही जगरी यानी गुड़ भी बहुत गर्म होते हैं, तो अगर आप लोग इसको लेते हो और तब आप लोगों की गुड़ में भी आप लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने की बहुत वो सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे भी तो रहते ही है, बट बहुत गर्म होते हैं, तो अगर इस रेमेडी को आप लोग लेते हो तो तुरंत आप लोगों को हो जाते हैं पीरियड्स। तो आप लोग चलिए मैं आप लोगों को डेमो दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ इस रेमेडी को। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए जगरी के मैंने लिया है पाउडर। और आप लोग सभी जानते हो जगरी में नेचुरल मिनरल्स, विटामिन ये तो रहते ही है और साथ में एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। एनीमिया क्योर करने के लिए जगरी बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में ये लिया है जिंजर यानी अदरक, इसको मैं क्रश करके यूज़ करूँगी। आप लोगों को ऐसा ही मैंने दिखा दिया है। और इसके अलावा मैंने एक पैन लिया है और उसमें लगभग 1.5 ग्लास 1.5 ग्लास मैंने वाटर डाल दिया है। और देखिए अब मैं क्रश किया हुआ जो जिंजर के पीसेस थी वो डाल रही हूँ और साथ में ही मैं जगरी भी यहाँ डाल रही हूँ। और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये थोड़ा कड़वा जैसा ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं, बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और खाने में भी अच्छा लगते हैं। और इसको मैं तब तक बॉयल करूँगी जब तक ये वाटर जो है रिड्यूस होकर 1/2 ग्लास तक हो जाए, यानी जितना वाटर रहते हैं उसके 1/2 तक मैं इसको बॉयल करूँगी। और देखिए मेरी ये रेमेडी तैयार हो गई है। अब मैं एक स्ट्रेनर लिया है मैंने और कप में इसको डाल रही हूँ। गर्मा गर्म ही इसको पीना चाहिए, तब इसकी असर बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके अलावा भी आप लोगों का अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो। देखा इस रेमेडी को कैसे बनाया है मैंने और इसको एकदम
इधर तक हो गए हैं, आप लोगों को दिखाया ही मैंने। और इसको ठंड होने तक ना रुके, इसको गर्मा गर्म ही पी लीजिए जितना हो सके तब भी। और हमेशा रात को सोने के टाइम पे अगर आप लोग पीते हो तो सुबह तक आप लोगों की पीरियड आराम से हो जाते हैं। और मैंने ये 100% इफेक्टिव है और मैंने खुद इसको अपनाया है अपने लिए और हो गई थी मेरी, क्योंकि वेट गेन करने की वजह से मुझे भी ऐसे हुआ था पीरियड्स की प्रॉब्लम। 2-3 महीने तक रुक गए थे, वेट गेन के वजह से ही हुआ था, मुझे पता था। और बेबी होने के बाद तो आप लोग जानते ही हो, सोने पे इरेगुलरिटी, लाइफस्टाइल में थोड़ा वो होता है, चेंज होता है, तब हम लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं। पर ये सिर्फ पीरियड्स लाने के लिए नहीं, पीरियड्स पे होने वाले क्रैम्प्स वगैरह भी अच्छे खासे ठीक कर देते हैं हम लोगों के। पीरियड्स के टाइम पे हम लोगों की जो लोअर एब्डोमेन में पेन होते हैं वो भी ठीक करते हैं। और आजकल तो मार्केट, क्योंकि हम लोग सभी जानते हो, कभी मैंने पहले ही बोला है, कभी फंक्शन में कुछ जाने के लिए अगर डेट नहीं आते हैं और उस दिन ही डेट पर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और हम लोग तब क्या करते हैं, मेडिसिन मार्केट में जो मेडिसिन होता है पीरियड लेट करने की यानी पोस्टपोन करने की, वो मेडिसिन लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म में वो हम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बुरी इफेक्ट करते हैं। तो आप लोग अगर कोई जाने वाले हो, कुछ आप लोगों के काम है, तो ऐसे आप लोग नुस्खा घर में ही अप्लाई कर सकते हो। और ये 100% श्योर है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि हुआ कि नहीं। मुझे, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। और इसके अलावा भी आप लोग कुछ नेचुरल, आप लोगों के हेल्थी और नॉर्मल पीरियड के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, और हेल्दी खाना भी, बाहर के जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और पीरियड के लिए ठंडी चीज नहीं खाना चाहिए, जो गर्म देने वाले खाना जैसे पपीता और अनानास यानी पाइनएप्पल, वो भी बहुत इफेक्टिव है पीरियड्स लाने के लिए। इसके अलावा भी मेरे पास और भी नुस्खे हैं, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये थी आज की फर्स्ट नुस्खा, कैसा लगा आप लोग? और इसको गर्मा गर्म ही पीना चाहिए, ठंड होने के बाद इसका उतना अचार नहीं रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये होम रेमेडी पीरियड्स घर एक दिन में ही हमारे पीरियड्स लाने के लिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे भी मेरी ऐसे वीडियोस और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।